हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज, कैरियर क्लासेस धाधा से। फ्रेंड्स, अपन आज तक सुपर 1000 की सीरीज़ कर रहे थे, ठीक है? तो वो भी अपन कंटिन्यू रखेंगे। और इसके साथ ही साथ क्या है कि मुझे ना आपको बहुत सारे टॉपिक क्लियर कराने हैं। तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आर्ट एंड कल्चर का। तो अपन क्या करेंगे, आर्ट एंड कल्चर का 2020 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं, मुद्दे हैं, उन पे अपन बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ मैं आपको चीज़ों को अपडेट कराऊंगा, जो पुरानी चीज़ें हैं उसी से बिलोंगिंग, वो भी अपडेटेड करा दूंगा, ठीक है? तो चलो, पहला आज का पहला पोर्शन है आपका सोलोंग डांस, ठीक है? सोलोंग नृत्य। तो इसके नृत्य के बारे में देखो, मैंने आपको डिटेल दिया है यहाँ पे, और इसके बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा। जो सोलोंग नृत्य है, ये लद्दाख का एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध डांस है, और जिसको हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, ठीक है? और वहाँ पे क्या होता है, लद्दाख में एक फेस्टिवल होता है जिसको नरोपा त्यौहार के नाम से जाना जाता है। और इस ये नरोपा त्यौहार जो है, वो कुंभ ऑफ हिमालय के नाम से भी जाना जाते हैं, यानी कि इसको हिमालय का कुंभ भी कहा जाता है, ठीक है भाई? तो इस साल जो नरोपा त्यौहार मनाया गया, उसी नरोपा त्यौहार में इस सोलांग डांस का आयोजन किया गया। और ये एक राजसी डांस है, रॉयल डांस है, बहुत पुराने ज़माने से होता है। और इस साल का जो भी ये आपका सोलांग डांस हुआ, उसमें लगभग 408 महिलाओं ने भाग लिया, और वो एक ट्रेडिशनल कपड़ा पहनती हैं, ठीक है? जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे भारत के ट्रेडिशनल डांसेस हैं, उनमें क्या होता है, एक ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म होता है, उसको पहन के लोग डांस करते हैं। तो इस साल क्या हुआ था, इस साल 408 महिलाओं ने एक साथ उसमें डांस किया, और ये अब तक का सबसे ज़्यादा महिलाओं ने एक साथ किसी भी स्टेज को शेयर करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और इसीलिए इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐड किया गया है करके, ठीक है? और एक मैसेज भी लोगों को दिया गया है कि प्लास्टिक का जो उपयोग है, उसको कम से कम करें, या तो जीरो कर दें, बिल्कुल से ही नहीं करना प्लास्टिक का उपयोग। इस पे इनका मेन जो फोकस था करके, ये मैसेज दिया लोगों को। होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है भाई? कथन सत्य है। देखिए, पहला ऑप्शन दिया है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है। दूसरा है, सरस्वती सम्मान 22 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है भाई मेरे? तीसरा है, साहित्य एकेडमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। और लास्ट है कि साहित्य एकेडमी युवा पुरस्कार 35 वर्ष से कम के लेखकों को दिया जाता है, ठीक है भाई? चलें, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप लोग मुझे, तो देखते हैं इसके बारे में, ठीक है? पहला ऑप्शन दिया है, संविधान की 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं में जिक्र करती है, 22 भाषाओं का जिक्र करती है। तो सबने पढ़ा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये ऑप्शन जो आपका है वो बिल्कुल सही है करके, 22 भाषाओं का जिक्र करती है। सरस्वती सम्मान 22 भाषाओं में दिया जाता है, आपने इसके पहले भी सरस्वती सम्मान किया पढ़ा था, तो ये 22 भाषाओं में ही दिया जाता है, और ये ऑप्शन भी आपका एकदम से राइट है, ठीक है भाई? अगला ऑप्शन है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है, 24 भाषाओं में दिया जाता है, और किन 24 भाषाओं में दिया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 22 वे भाषाएं हैं, 22 वो भाषाएं हैं जिनका जिक्र संविधान की लैंग्वेजेस में किया गया है, ठीक है भाई मेरे? संविधान की 8वीं अनुसूची में जिन 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, 22 भाषाएं तो वो हैं, और दो भाषाएं हैं, उनमें एक इंग्लिश है, और दूसरी जो भाषा है वो है राजस्थानी भाषा। समझ पा रहे हैं, ठीक है? तो 22 भाषाएं कौन, 22 भाषाएं तो जो संविधान में जिनका जिक्र है, और दो भाषाओं में, एक इंग्लिश है और एक राजस्थानी भाषा है भाई। ओके, लास्ट ऑप्शन देखते हैं, साहित्य एकेडमी युवा पुरस्कार 35 वर्ष से कम के लेखकों को दिया जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो युवा पुरस्कार साहित्य एकेडमी का दिया जाता है, वो 35 वर्ष से कम आयु के लेखकों को दिया जाता है, ठीक है भाई? ओके, तो आपका राइट एंड फोर्थ आंसर भी ये क्या है, राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला है चौखंडी स्तूप। चौखंडी स्तूप क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो ठीक है, पहले जान लेते हैं कि चौखंडी स्तूप कहाँ पे है। तो चौखंडी स्तूप आपका जो है, ये राजस्थान, सॉरी, सारनाथ में है। कहाँ पे है ये, सारनाथ में है, ठीक है? और सारनाथ में है, और इसको जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो है, इस चौखंडी स्तूप को
इस साल राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया है। यानी कि राष्ट्रीय महत्व के विषय वो विषय होते हैं जो कि गवर्नमेंट उनकी देख रेख करती है, उन पे जो है अगर वो जीर्ण शीर्ण होती हैं, कुछ उनमें प्रॉब्लम होती है तो गवर्नमेंट उसको रिकवर करती है, कोई वहाँ पे आम आदमी उनको जो है मतलब नुकसान नहीं पहुँचा सकता, ठीक है। तो ये जो है चौखंडी स्तूप जो है ये सारनाथ का बहुत ऐतिहासिक स्तूप है, और ये स्तूप के बारे में ये कहते हैं कि ये गुप्त काल के शासकों द्वारा बनाया गया था, ठीक है, गुप्त काल के जो शासक थे उनके द्वारा बनाया गया था। और जो अकबर के दरबार में, आपको पता है अकबर के जो वित्त मंत्री थे कौन थे, वो थे राजा टोडरमल, ठीक है। तो अकबर के जो वित्त मंत्री थे राजा टोडरमल, उनके बेटे थे गोवर्धन, और गोवर्धन ने जो है ये चौखंडी स्तूप का क्या किया है, उसका मॉडिफाई किया है, उसमें जो क्षतियाँ हो गई थी, वो प्रॉब्लम हो गई थी, उनको ठीक किया है। और इसके बाद साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चौखंडी स्तूप क्यों इतना फेमस है, क्यों इसके लिए गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट बहुत सारे क्यों इतना काम कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो गौतम बुद्ध अपने चार उनके शिष्य थे तो वो शिष्यों के साथ कहीं भिक्षा या जो भी है उपदेश दे रहे थे, और अनफॉर्चुनेटली वो बिछड़ जाते हैं आपस में। बिछड़ने के बाद और फिर क्या होता है, सडनली वो जो है एक स्थान पर मिलते हैं, सब मिल जाते हैं उसी स्थान पे, और वो स्थान क्या था, चौखंडी स्तूप, ठीक है। तो इसको जो है एक जो है रीयूनाइटेड बिल्डिंग मान के जो आपका जो जो आपका ये अपना आर्कोलॉजिकल सर्वे है, इसका जो है इसको राष्ट्रीय महत्व की धरोहर घोषित कर देता है। इससे जुड़ी एक बात और बता देता हूँ कि जब ह्वेनचांग यहाँ पे आया था इंडिया में, ठीक है, ह्वेनचांग जब यहाँ पे आया था, कब आया था, 7वीं शताब्दी में जब भारत आया था, तब भी उसने कुछ अपने ग्रंथों में इस चीज़ का उल्लेख किया था कि वहाँ पे कोई एक चौखंडी स्तूप नामक जगह है सारनाथ में, ठीक है भाई, ओके, होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं करके नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में सिर्फ एक ही मिश्रित विश्व विरासत सूची है, सॉरी ये क्या है, अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में एक ही ऐसी साइट है, एक ही ऐसी जगह है जिसको मिश्रित विश्व विरासत सूची में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी स्थल को विश्व विरासत सूची का दर्जा मिल जाए तो उसको वापस नहीं लिया जा सकता, ठीक है। और इसका तीसरा क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ भाई कि जो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर हैं इनको, इनकी जो घोषित करता है ये कौन घोषित करता है, ये जो दर्जा देता है ये यूनेस्को देता है, ठीक है। ये कौन दर्जा देता है, इनको यूनेस्को देता है। और यूनेस्को क्या करता है, यूनेस्को के लिए, इसके लिए भारत के जो ये मंत्रालय है संस्कृत और पर्यटन मंत्रालय है, ये क्या करता है, ये रिकमेंड करता है, ये बोलता है करके कि भाई हमारे ये ऐसे स्पेसेस हैं जहाँ पे जिनको आप वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में वो करो। तो वो एक सर्वे करता है यूनिसेफ, और अगर सर्वे में कई तरह के मानक होते हैं जैसे कि आपका वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो और उसमें कुछ खास चीज़ें हो, ठीक है, तो उनको जो है शामिल कर लेता है वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में, ठीक है भाई, उनको कर लेता है। तो चलो ये पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ। तो देखो भारत में सिर्फ एक ही मिश्रित विश्व विरासत सूची है, तो ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो आपका पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, ओके, ये ऑप्शन सही है आपका। सेकंड ऑप्शन है, यदि किसी स्थल को विश्व विरासत सूची का दर्जा मिल जाए तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। क्यों, क्योंकि वर्ल्ड, अगर यूनेस्को को ये लगता है कि जो मानकों का पालन नहीं कर पा रहा, जिस सेंटर को हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है, तो वो उसको सूची से हटा भी सकता है, ठीक है। देखो अभी क्या हुआ करके, यूनेस्को ने अभी एक वार्निंग दी थी कुछ दिन पहले आपको, इंडिया को, इंडिया के बारे में एक वार्निंग दी थी। तो ये वार्निंग किसके संदर्भ में थी, जो इंडिया में टॉय ट्रेन चलती हैं, टॉय ट्रेन की बात आपने सुना होगा, टॉय ट्रेन क्या होती है, टॉय ट्रेन ऐसी ट्रेनें होती हैं, थोड़ी सी छोटी ट्रेन होती हैं, आपने एक राजेश खन्ना की मूवी देखी होगी वो मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, वो सॉन्ग है आराधना मूवी का है, तो आप देखिएगा, वो टॉय ट्रेन में है, जो एक्ट्रेस बैठी रहती है वो, जिसके लिए राजेश खन्ना गाना गाते हैं, तो वो टॉय ट्रेन थी, तो आपको टॉय ट्रेन पता चल जाएगी कैसी होती है। तो देखो टॉय ट्रेन एक्चुअली क्या होती है, छोटी ट्रेन होती है, इसकी हाइट भी कम होती है ना, इस टाइप से होती है। तो इंडिया में कई जगहों में टॉय ट्रेन में चलती हैं, ठीक है। तो इंडिया का एक जो सबसे बड़ा सेंटर है टॉय ट्रेन का, वो है कालका से लेके हिमाचल।
तो कालका से लेके हिमाचल के बीच में पहाड़ों के बीच में गोल गोल घूमते घूमते जो है वो ट्रेन जाती है, ठीक है। तो वो टॉय ट्रेन अभी क्या हुआ था, उसमें थोड़ा सा टॉय ट्रेन में कुछ चीज़ें कमी आ रही थी कि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं हो रही थी, कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये यूनेस्को को ये बात पता चली, तो यूनेस्को ने एक यहाँ पे चेतावनी दी थी करके कि अगर आप ये इसको कंटिन्यू देख मतलब इसका देख रेख नहीं करेंगे, कंटिन्यू रनअप पे नहीं रहेंगे और इसको और फ्रेंडली नहीं बनाएंगे तो इसको यूनेस्को की श्रेणी से हटा दिया जाएगा। तो अगर किसी स्थान को विश्व विरासत सूची का दर्जा मिल जाए और वो मानकों को पूरा ना कर पाए तो उसको क्या कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, ठीक है भाई, हटाया जा सकता है। अगला है कि भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जो साइट है विश्व विरासत सूची की वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो ये बात भी भाई एकदम सही है। तो आपके जो ऑप्शन, तीनों ऑप्शन इस क्वेश्चन में तीनों ऑप्शन सही है, तो पहला दूसरा तीसरा तीनों ऑप्शन आपके सही है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में रिसेंटली अभी तक कितनी साइट्स, 38 साइट्स हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। इनमें से भारत में लगभग 30 साइट्स हैं जो कि कल्चरल साइट्स हैं, यानी कि सांस्कृतिक धरोहर कितनी है, 30। और भारत में ऐसी 7 साइट हैं जो कि नेचुरल साइट हैं, जो कि प्राकृतिक स्थल हैं, उनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है। और एक ऐसी साइट है जिसको भारत ने क्या किया है, भारत यूनेस्को ने मिक्स्ड साइट है, मिश्रित साइट है। मतलब मिक्स्ड साइट क्या होती है, जो प्राकृतिक भी हो और मैन मेड भी हो, जो प्राकृतिक रूप से हो और उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आदमी ने भी कराया हो, उसको मिक्स्ड साइट कहते हैं। तो भारत में इकलौती जो मिक्स्ड साइट है वो कहाँ पे है, वो है कंचनजंगा में, ठीक है भाई मेरे, वो कहाँ पे है, कंचनजंगा में। ओके, इससे जुड़ी कुछ मैं और बातें आपको बता देता हूँ। देखो कर्नाटका अभी हाल ही में क्या हुआ था, कर्नाटका जो है कर्नाटका ने कुछ दिन पहले क्या किया था, एक वहाँ पे होया सोंगा, ठीक है, याद रखिएगा कौन सा, होया सोंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होया सोंगा। तो होया सोंगा क्या है, ये मंदिरों का श्रृंखला है, बहुत सारे मंदिर हैं, वो लगभग जो है 42 मंदिर हैं, ठीक है भाई, 42 मंदिर हैं, उनको होया सोंगा के नाम से जाना जाता है। तो 42 मंदिरों में से ऐसे 14 मंदिर सेलेक्ट किए गए हैं, 14 मंदिर सेलेक्ट किए गए हैं। उन मंदिरों को क्यों सेलेक्ट किया गया है, क्योंकि देखो जो जब कोई चीज़ वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल होती है तो वो जरूरी नहीं है एक पर्टिकुलर जगह ही हो। जैसे आपको पता है कि जो भारत की लास्ट 38 साइट थी जिसको वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में आपको वो शामिल किया गया था, वो कौन सी साइट थी, वो साइट थी आपकी जयपुर, कौन सी साइट थी भाई, वो जयपुर साइट थी, ठीक है। तो पूरे जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल किया गया था, ये 38वां जो साइट थी भारत की वो थी। तो इसीलिए जयपुर को क्यों शामिल किया गया था, क्योंकि जयपुर में जो है बहुत सारे रजवाड़े हैं, बहुत सारे किले हैं और वो तो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ पूरा मतलब जयपुर को ही उन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर घोषित कर दिया था। तो हम बात कर रहे थे होयासाला की, तो होयासाला क्या है, ये एक्चुअली मंदिरों का टेम्पलों का एक बहुत सारा ग्रुप है। तो वहाँ पे ऐसे 42 टोटल टेम्पल हैं, तो 42 में 14 टेम्पल ऐसे लिए गए जो कि एक ही तरह के, एक ही मानक पर बने हैं, है ना, एक ही तरह की शैली में बने हैं, वो कहीं ना कहीं जो है एक साथ सिमिलारिटीज़ रखते हैं, बहुत सारी सिमिलारिटीज रखते हैं। तो कर्नाटक सरकार ये प्रयास कर रही है कि ये जो होयासाला मंदिर है, तो होयासाला मंदिर को भी क्या किया जाए, वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल करवाया जाए। इसके पहले आपको और भी पता होगा कि कर्नाटक में एक जगह है हम्पी, हम्पी को क्या किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में, साइट में शामिल किया गया है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मालदा, एक्चुअली यहाँ पे लिख गया है, एक्चुअली सही होता है मालरा, ठीक है भाई, सही क्या होता है, मालरा, थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया है, मालरा ये होता है। तो देखो मालरा चंगथांगी, चंग ये घा लिख गया, ये भी थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। दूसरा पोर्शन है चंगथांगी, चंगथांगी मालरा, चंगथांगी चेगू, चेगू और क्वांगरा, ठीक है, क्वांगरा। तो ये 4 नाम दिए हैं और इन चारों नाम में आपको बताना है करके कि ये चारों नाम हैं किस चीज़ के। तो पहला ऑप्शन आपको गिवन है इसमें, पहला ऑप्शन है आपको बकरी, दूसरा नृत्य, तीसरा पठार और चौथा खरगोश। तो क्या लगता है आपको भाई, क्या आंसर होना चाहिए इसका, चलिए बता दीजिए आप मुझे क्या आंसर होना चाहिए।
ओके चलो मैं बताता हूँ। देखो ये क्या है, चारों के चारों जो है ये बकरियों के प्रजाति है। किसकी प्रजाति है भाई? बकरी की प्रजाति। किसके हैं? बकरी की प्रजाति। देखो ये जो मालदा जो है, ये सॉरी एक सेकेंड भाई, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, एक सेकेंड। ये जान लीजिए कि चारों के चारों जो है किसकी प्रजाति हैं? बकरियों की प्रजाति हैं। और ये वो बकरी नहीं है, नॉर्मल बकरी नहीं है, ये ऐसी बकरियां हैं जो कि कॉमर्शलाइजेशन में यूज होती हैं। कॉमर्शलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? ये बहुत ही एकदम उस तरह की बकरियां हैं जिनकी जो ऊन निकाली जाती है, ठीक है, ये ऊन निकाली जाती है और ये ऊन से बने प्रोडक्ट बहुत महंगे बिकते हैं, ठीक है, बहुत महंगे बिकते हैं। तो ये आपका जो मालरा, चंगथांगी, चेगू और चांगरा जो है, ये बकरियां हैं, ये बकरियां हैं और अच्छी किस्म की बकरियां हैं। इन्हीं से मिलती जुलती एक बकरी है जिसको पश्मीना कहते हैं, आपने सुना होगा पश्मीना, ये भी एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है पश्मीना। तो ये जो पश्मीना है, और इस पश्मीना नाम से ही एक लेह में, लद्दाख में, पश्मीना नाम से कहाँ पे भाई मेरे? लेह में। लेह में क्या किया गया है? लेह में एक पश्मीना ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया गया है। तो ये जो पश्मीना ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी की इनसे ऊन निकाली जाती है और ऊन से क्या बनाए जाते हैं? साल बनाए जाते हैं, क्रॉफ्ट बनाए जाते हैं, जो कि बहुत महंगे बिकते हैं। ठीक है, मैं आपको भाई बता दूं कि अभी मैं गया था कुछ दिन पहले घूमने गया था, तो वहां पे मैं गया था, वहां पे मुझे पता चला करके कि देखो बकरियों के और वहां पे खरगोश के भी बनाए जाते हैं, ठीक है, खरगोश के भी, खरगोश की जो ऊन निकाली जाती है, उसके बाल निकाले जाते हैं, उससे जो है उससे भी बहुत सारी जो है इस तरह के शॉल है और ये कम्बल है, इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो एक जो है अंगूरा ऊन नाम की चीज़ बनाई जाती है, अंगूरा ऊन मतलब अंगूरा ऊन का नाम है। और इस ये अंगूरा ऊन जो है ये कहाँ से प्राप्त होती है? तो आप बोलेंगे खरगोश से। कहाँ से प्राप्त होती है? खरगोश से प्राप्त होती है। और इससे बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के क्या बनाए जाते हैं? शॉल बनाए जाते हैं और कम्बल बनाए जाते हैं। और कहते हैं कि ये जो है एसी टाइप के होते हैं, अगर आप उसको गर्मी में भी ओढ़ोगे तो आपको ठंडक एहसास करा देते हैं। ठीक है भाई, ओके। तो अब ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि ये बकरियां हैं। और मैं आपको ये बता देता हूं करके कि ये कहाँ कहाँ की बकरियां हैं। पहली है जो मालरा बकरी, मालरा जो होती है ये कारगिल में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? कारगिल में पाई जाती है मालरा बकरी, ठीक है। दूसरा है चंगथांगी और चेगू। चंगथांगी की बात करते हैं पहले, तो जो चंगथांगी बकरी है, ये बकरी है, तो ये बकरी आपका जम्मू एंड कश्मीर में ये भी पाई जाती है, J&K में ये भी पाई जाती है। जो आपकी तीसरी बकरी है चेंगू, तो ये चेंगू बकरी जो है ये आपकी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। और ये आप जो क्वांगरा बकरी है करके, क्वांगरा बकरी आपकी पाई जाती है भाई मेरे नेपाल में। कहाँ पाई जाती है भैया? नेपाल में पाई जाती है। होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नगर कीर्तन झांकी, ठीक है, नगर कीर्तन झांकी भी बोलते हैं इसको और नगर कीर्तन यात्रा भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों चीजें बोलते हैं, नगर कीर्तन झांकी या फिर नगर कीर्तन यात्रा। इसके संदर्भ में देखिए चार लाइनें लिखी हैं और इनमें से देखते हैं कौन सा आपका सही है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें हर धर्म के लोग भाग लेते हैं। तो ये जो ऑप्शन है इसमें कि हर धर्म के लोग भाग लेते हैं, ये गलत है, ठीक है भाई। कैसे गलत है मैं आपको बताते जाता हूँ। इसमें केवल जो है सिख धर्म के लोग ही भाग लेते हैं। किस धर्म के लोग भाग लेते हैं? केवल सिख धर्म के, ठीक है भाई। तो केवल सिख धर्म के लोग भाग लेते हैं किसमें? नगर कीर्तन झांकी या नगर कीर्तन यात्रा में। दूसरा, यह ननकाना साहिब से शुरू होता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये कहाँ से शुरू होता है? ननकाना साहिब से। तो आपका दूसरा ऑप्शन जो है सही है। और ननकाना साहिब आपको पता है कि ये नानक की जन्मस्थली है, ठीक है, नानक की जन्मस्थली है जो कि पाकिस्तान में स्थित है। और आपको बता दूं कि 2019 में गुरु नानक जी का 550वां बर्थडे मनाया गया। और ये कहाँ पे मनाया गया? ननकाना साहिब में। तो ननकाना साहिब क्या है? गुरु नानक जी का जन्मस्थली है। और ये जो नगर कीर्तन झांकी या नगर कीर्तन यात्रा है ये ननकाना साहिब से शुरू होती है और 550वां बर्थडे जो इनका मनाया गया ये 2019 में मनाया गया। तीसरा ऑप्शन क्या है? यह अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में ख़त्म होती है। तो ये अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में नहीं ख़त्म होती है, ठीक है भाई। तो ये कहाँ ख़त्म होती है? ये सुल्तानपुर लोधी जो कि पंजाब में है वहाँ ख़त्म होती है।
ये कहाँ ख़त्म होती है, सुल्तानपुर लोधी जो कि पंजाब में है, जो ऑप्शन नंबर डी है। तो इसमें सिख धर्म के लोग वो भाग लेते हैं और ये ननकाना साहब से शुरू होती है जो कि पाकिस्तान में है और यह सुल्तानपुर लोधी पंजाब में ख़त्म होती है। ओके, होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन सारे आपके बी गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही है। ठीक है भाई मेरे, चलिए अब ये बता देते हैं, ये आपका जो सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा होली बुक ऑफ सिक्स क्या होता है, गुरु ग्रंथ साहिब। ये गुरु ग्रंथ जो साहिब है, जो सिखों का होली बुक है, धार्मिक किताब है गुरु ग्रंथ साहिब, इसको 11वां गुरु भी मानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, उनको क्या मानते हैं, 11वां गुरु। जैसे सिखों के कितने, 10 गुरु, 10 गुरु हैं, तो एक 11वां गुरु भी है, और उस 11वां गुरु को किसको मानते हैं, 11वां गुरु जो है ये मानते हैं गुरु ग्रंथ साहिब को। ठीक है भाई मेरे, चलिए ये होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा करके। ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए इससे जुड़ी मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। देखिए ऐसे मंदिर है करके, कितने मंदिर हैं, 3 मंदिर, ठीक है, 3 मंदिर। अभी ये रिसेंटली ये क्वेश्चन आया था, एक शारदा पीठ, समझते रहेंगे भाई, 3 मंदिर हैं, ठीक है, कौन सा मंदिर है, एक है शारदा पीठ, क्या है, शारदा पीठ। 3 मंदिरों के बारे में बात करते हैं। एक है सावला तेज सिंह मंदिर, ये कौन सा है, सावला तेज सिंह मंदिर, सॉरी एक सेकेंड भाई, थोड़ा सा मैं इस तरह यूज़ नहीं किया हूँ आज तक, अभी पहली बार बना रहा हूँ इसमें वीडियो। पहला है शारदा मंदिर, ठीक है, शारदा मंदिर है। दूसरा है, शारदा मंदिर बोलते हैं, शारदा पीठ मंदिर भी बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा है सावला तेज सिंह मंदिर, सावला तेज सिंह मंदिर, ठीक है, और तीसरा मंदिर है पुंज तीरथ, याद रखिएगा, कौन सा मंदिर है, पुंज तीरथ, तीसरा मंदिर है पुंज तीरथ। ये तीनों पे बेस्ड एक पीसीएस में क्वेश्चन आया था करके, ठीक है, एक कौन सा मंदिर, 3 मंदिर याद रखिएगा, शारदा पीठ मंदिर, और दूसरा मंदिर है आपका सावला तेज सिंह मंदिर, और तीसरा मंदिर है पंत तीरथ मंदिर, ठीक है, पंत तीरथ मंदिर। तो ये तीनों मंदिर जो है, ये कौन से मंदिर हैं, ये ऐसे मंदिर हैं जो कि पाकिस्तान में स्थित हैं, ठीक है, पाकिस्तान में स्थित हैं। और ये जो पुंज तीरथ मंदिर है जो आपका, ठीक है, जो पंज तीरथ मंदिर है, पुंज मैंने गलत लिख दिया, ये पंज तीरथ मंदिर है, तो ये आपका जो पंज तीरथ मंदिर है, और इस मंदिर को पाकिस्तान ने राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है। आप मेरे साथ पेन कॉपी लेके बैठेंगे और लिखते जाएंगे, ठीक है, तो ये आपका जो पंज तीरथ मंदिर है, इसको पाकिस्तान ने क्या किया है, इसको पाकिस्तान ने राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया है। ओके ठीक है, और एक आपका जो ये शारदा पीठ मंदिर है, शारदा पीठ मंदिर है, इसके बारे में बताऊंगा कि इसको पाकिस्तान ने, ये पीओके में है, ठीक है, तो पीओके में है, और इस मंदिर को अभी अभी पाकिस्तान सरकार ने क्या किया, इसको खोल दिया है, ठीक है, ये भी बंद पड़ा था, इसको खोल दिया है। और ये जो तीसरा मंदिर है आपका, दूसरा मंदिर है कौन सा, सावला तेज सिंह मंदिर, ये जो है 1000 पुराना मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है ये, 1000 साल पुराना मंदिर है, ठीक है, और जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, इंडिया और पार्टीशन जो हुआ था, और उससे अभी इसको कुछ दिन पहले खोल दिया गया है, ठीक है, अभी खोल दिया गया है। तो ये जो है 1000 पुराना, सा बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, 1000 साल पुराना मंदिर है, और जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, इस मंदिर को बंद करके रखा गया था, ठीक है, इस मंदिर को बंद करके रखा गया था, तो अभी ये कुछ दिन पहले इसको खोल दिया गया है, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ और बता देता हूँ, ये जो आपका सावला तेज सिंह मंदिर है, ये मंदिर नागर स्टाइल में बनाया गया है, ये मंदिर कब बनाया गया है, नागर स्टाइल में बनाया गया है, और इसको तब बंद कर दिया गया, कब बंद कर दिया गया, इसको जब यहाँ पे भारत में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, तब पार्टीशन के टाइम पे इसको बंद कर दिया गया था, और भारत में जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, तो उसी दौरान इस मंदिर में भी काफ़ी कुछ तोड़ फोड़ की गई थी, यानी पूरा ध्वस्त नहीं हुआ था, लेकिन बहुत सारा तोड़ फोड़ हुई थी, क्योंकि पाकिस्तानियों को लगता था कि इंडिया में अगर हमारी बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाएगा, तो हम भारत के जो भी यहाँ पे मंदिर हैं, हिंदुओं के मंदिर हैं, उनको तोड़ेंगे। तो आपको याद रखना है कि सावला तेज सिंह मंदिर वही मंदिर है जो बाबरी मस्जिद के तोड़ने के टाइम पे इसमें तोड़ फोड़ की गई थी,
और पार्टीशन के टाइम पे ये जो है सावलातेज सिंह मंदिर को पार्टीशन के टाइम से बंद कर दिया गया है और इसको रिसेंटली 2019 में खोल दिया गया है। होप भाई मेरे आपको समझ में आया होगा। और आपको ज़्यादा इस वीडियो का फायदा तब मिलेगा भाई जब आप इसको क्या करेंगे, इसको कॉपी पेन लेके बैठेंगे। सॉरी, ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अरब की बावली, अरब की सराय बावली। ठीक है, तो अरब की सराय बावली के बारे में देखिए ये क्या कुछ बात पढ़ देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, देखो भारतीय पुरातत्व जो सर्वे है यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और एक आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर दिया है। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर एक जर्मनी एम्बेसी है उसकी मदद से क्या किया है, इसको जो है उसका पुनर्जीवीकरण करने का निर्णय लिया है। पुनर्जीवी करने का मतलब क्या है, ये ध्वस्त पड़ी हुई थी और इसको पुनर्जीवित करने का निर्णय ले लिया है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ कि बावली क्या होती है। तो बावली क्या होती है भाई, इस तरह की होती है, ये बीच में क्या होता है, इसमें पानी भरा होता है। ठीक है, और इधर किनारे 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 इसके क्या होती हैं, सीढ़ियाँ लगी होती हैं कई जगह इधर आगे पीछे। जैसे आपने पी के पिक्चर देखी होगी, तो पी के पिक्चर में वो जो है कौन सा उग्रसेन की बावली में जाके आमिर खान बैठे रहता है, वो बावली है। सीढ़ियाँ लगी होती हैं, इस साइड में दीवारें खड़ी होती हैं, तो हो सकता है कमरे भी बने हों, तो ये बावली है। बावली एक्चुअली यूज़ किसके लिए की जाती है, ये स्टोरिंग के वाटर स्टोरिंग के लिए यूज़ की जाती है और इसकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो ये अरब की जो सराय बावली है इसको भारतीय पुरातात्विक सर्वे और आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने क्या किया है, इसको जो है इसका उद्धार करने के लिए इसको फिर से मेंटेन करने का निर्णय लिया है। ठीक है, और ये बावली के बारे में बता देता हूँ कि ये जो है जो हुमायूं की पत्नी थी कौन सी, हमीदा बानो ने जो है इसको 1560 ईस्वी के आसपास बनवाया था। और किनके लिए बनवाया था, ये बनवाया था कि अरब से बहुत सारे 300 लोग आए थे करीब, कभी विद्वान लोग आए थे करके भारत में रहने के लिए, तो उनके प्रबंधन के लिए जो है ये बावली बनाई गई थी। ठीक है, चलिए इसकी क्षमता देख लीजिए, ये एल आकार की, ये थोड़ा सा इसका आकार जो है एल आकार का, यानी कुछ फ्रंट में है कुछ बैक में, यानी इस तरह की बावली है। ठीक है, एल आकार की बावली है और इसकी क्षमता क्या बताई गई है, 1.5 लाख लीटर, इसमें कितना 1.5 लाख लीटर पानी जो आएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं करके, मामल्लापुरम। अगला क्या है टॉपिक हमारा, मामल्लापुरम। मामल्लापुरम जो है इसको जो है सेवेंथ पगोड़ा के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, मामल्लापुरम क्या है, सेवेंथ पगोड़ा के नाम से भी इसको जानते हैं। और भाई इसको किस नाम से जानते हैं, इसको महाबलीपुरम के नाम से जानते हैं। ठीक है, महाबलीपुरम के नाम से जानते हैं। ये जो मामल्ला का मतलब क्या होता है, मामल्ला जो होता है, मामल्ला का मतलब होता है वॉरियर। मामल्ला क्या होता है, ये होता है आपका वॉरियर यानी कि योद्धा। ठीक है भाई मेरे, ये योद्धा होता है। और ये योद्धा शब्द इससे क्यों जुड़ा है, क्योंकि आपको मैं बता दूं करके कि नरसिंह वर्मन जो थे, ठीक है, एक ये पल्लव राजा थे। नरसिंह वर्मन कौन से राजा थे, ये पल्लव राजा थे, पल्लव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो इनके बेटे जो भी बहुत पावरफुल बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं इनके बेटे, और उनका क्या नाम था, महेंद्र वर्धन। ठीक है, तो इन्होंने एक युद्ध लड़ा था, बदामी का युद्ध कहा जाता है इसको। किसका युद्ध कहा जाता है, बदामी का। तो महेंद्र वर्धन ने बदामी के युद्ध में, उस टाइम का एक बहुत पावरफुल राजा था जिसका क्या नाम था, पुलकेशिन द्वितीय, तो उसको हरा देते हैं। ठीक है, उसको हरा देते हैं करके, तो उसको हरा देते हैं, तो तभी उसका नाम पे क्या पड़ गया, उस जगह का नाम क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया मामल्लापुरम। ठीक है, मामल्लापुरम इसका नाम पड़ गया। ठीक है, चलिए इसको क्या है, इसको जो वहाँ के स्थानीय लोगों ने, गवर्नमेंट है जो भी है वो इसको जो है वहाँ की गवर्नमेंट जो है प्रयास कर रही है करके। ठीक है, ये है कहाँ मामल्लापुरम, ये चेन्नई में एक्चुअली। ठीक है, तो चेन्नई जो प्रॉपर शहर चेन्नई है उससे करीब करीब जो है ये 60 किलोमीटर साउथ ईस्ट जोन में है करके। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, वहाँ पे जो चेन्नई की गवर्नमेंट है उसकी ये कोशिश है कि इस प्लेस को जो है उस वो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में जो है वर्ल्ड इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है शामिल करवा लिया जाए। ठीक है भाई, तो मैं इसके बारे में कुछ और चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ करके। इसमें ये जो मामल्लापुरम है वहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पल्स भी देखने को मिलेंगे, बहुत सारे टेम्पल्स देखने को मिलेगा। और उन टेम्पल्स में खास बात क्या है, उन टेम्पल्स में खास बात ये है करके कि वहाँ बहुत सारी आकृतियाँ आपको देखेंगी, जैसे कि वहाँ पे शंकर भगवान को आप देखेंगे, शिव जी क्या है अपने बाल खोलते हुए दिखाई गए हैं, बाल खोलते हुए ये इंडिकेशन करते हैं कि शिव जो है अपनी जटा से गंगा निकाल रहे हैं, इस तरह की जो है आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी।
और क्या देखने मिलेंगे, अर्जुन जो है परशुराम की तपस्या कर रहे हैं यानी कि वर मांगने के लिए, तो ऐसी बहुत सारी आपको पेंटिंग वहां पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है भाई मेरे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सात पगोड़ा मंदिर के जो कहते हैं कि जो अवशेष हैं उन्हीं से वहाँ पे पांच रथों का निर्माण कराया गया था, पांच रथ बनाए गए थे हैं। और ये सारी चीज़ें जो है इनको जो है एक्चुअली ये, हाँ ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये जो है तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में जो है यूनेस्को से आग्रह किया जा रहा है। ओके चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, ये क्वेश्चन क्या है कि खोन रामलीला के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, खोन रामलीला के बारे में कौन सा कथन सत्य है तो देखते हैं इसको। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या दिया है, इसमें कोई डायलॉग नहीं होता। डायलॉग का मतलब समझते हैं कि बातचीत नहीं होती है। ठीक है, इसमें कोई डायलॉग नहीं होता, ये बातचीत के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है यह श्रीलंका की ओरिजिनल रामलीला है, या जो है श्रीलंका की ओरिजिनल रामलीला है। और तीसरा, यूनेस्को ने इसे अपनी अमूल्य विरासत की सूची में रखा है। चलिए बताइए क्या लगता है, क्या आंसर सही है इसके। हाँ कौन सा लग रहा है आपको, पहला लग रहा है क्या? तो देखो ये बात तो बिल्कुल सही है कि इसमें डायलॉग नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें बहुत जबरदस्त कपड़े पहने जाते हैं, खूब अच्छा सा मुकुट पहना जाता है, और फिर एक वहाँ पे डांस वगैरह होता है, इस टाइप से रामलीला होती है, और जो है तो बिना डायलॉग के जो है ये रामायण की जाती है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलो सेकेंड ऑप्शन क्या है, ये श्रीलंका की ओरिजिनल रामलीला है। तो ये श्रीलंका की ओरिजिनल रामलीला नहीं है, ये कहाँ की रामलीला है, ये रामलीला है थाईलैंड की। कहाँ की है भाई, ये थाईलैंड की रामलीला है। ठीक है, ओके। तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि ये यूनेस्को ने इसको अपनी अमूल्य विरासत सूची में रखा है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि यूनेस्को ने क्या किया है, इसको जो है इसे अपनी अमूल्य विरासत की सूची में रखा है। ठीक है, अब देखिए, अब इससे जुड़ी चीज़ है करंट की, मैं आपको बताता हूँ। अभी रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली में उत्तर प्रदेश का जो सांस्कृतिक मंत्रालय है, ठीक है, सांस्कृतिक मंत्रालय है, वहां पे उसने क्या किया है, ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस शुरू किया है। ठीक है, कौन सा, यूपी का जो आपका सांस्कृतिक मंत्रालय है, ठीक है, यूपी का जो सांस्कृतिक मंत्रालय है उसने क्या किया है, उसने जो है एक जो है ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस प्रोग्राम शुरू किया है। ठीक है, और ये जो ट्रेनिंग और प्रोग्राम परफॉर्मेंस प्रोग्राम शुरू किया है, इसमें क्या करेगी, इसमें जो थाईलैंड गवर्नमेंट है वो इसकी हेल्प करेगी। क्यों, क्योंकि जो ये आपकी जो रामलीला है खोन रामलीला, ये थाईलैंड की है, तो उत्तर प्रदेश ने भी इसको मनाने को शुरू किया है, मनाने के बारे में स्टार्ट सोचा है और शुरू किया है। ठीक है, तो थाईलैंड गवर्नमेंट क्या करेगी, इसकी मदद करेगी। ओके, और इसमें मुखौटे वगैरह पहन के जो है शोज किए जाते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट टॉपिक, ये देखो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक जो है आपका इथनोलॉग, क्या है, इथनोलॉग। चलो इथनोलॉग क्या होता है, इथनोलॉग के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ कि देखो इथनोलॉग जो होता है वो एक SIL इंटरनेशनल, ठीक है, कौन सा, SIL इंटरनेशनल, SIL, कभी कभी इसको सिल पढ़ सकते हैं, सिल भी पढ़िए या SIL। तो जो सिल इंटरनेशनल होता है या SIL इंटरनेशनल होता है, ये क्या करती है, ये हर साल एक प्रकाशन करती है। ठीक है, इथनोलॉग पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करती है, जो SIL इंटरनेशनल होती है, SIL इंटरनेशनल की स्थापना जो है 1951 में हुई थी। भाई मैंने बोला था कि आप पेन कॉपी लेके बैठिए, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने इसमें लिखी नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूंगा, तो वो आप नोट करते जाइएगा। तो SIL इंटरनेशनल की जो स्थापना हुई है वो 1951 में हुई थी, और ये हर साल क्या करती है, एक प्रकाशन करती है। और प्रकाशन किस चीज़ का करती है, तो ये दुनिया भर में जो है जो भाषा होती है, ठीक है, भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या बताती है। तो इसने अभी जो 2020 में अपने आंकड़े दिए थे, तो ये इसका 22वां प्रकाशन था। ये याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि स्टार्ट ये बना कब था, इस्टेब्लिश कब हुआ, ये 1951 में इस्टेब्लिश हुआ था, और 2020 में इसने अपना 22वां पब्लिकेशन किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस साल जो पब्लिकेशन में,
थोड़ा सा लैंग्वेजेस में थोड़ी सी ड्रामेटिकली चेंज हुआ है। अभी तक दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बोले बोली जाने वाली भाषा थी 2020 के पहले वो कौन सी थी? वो थी मेंडारिन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज थी भाई मेरे? मेंडारिन लैंग्वेज। तो मेंडारिन लैंग्वेज एक्चुअली जो चाइनीज लैंग्वेज है उसको मेंडारिन लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो 2020 के पहले जो दुनिया की सबसे जो हाईएस्ट बोले जाने वाली लैंग्वेज थी वो मेंडारिन थी यानी चाइनीज थी। लेकिन इस साल जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन हो गई है? इंग्लिश। और दुनिया में अप्रॉक्सीमेटली 113 करोड़ लोग जो है 113 करोड़ जो है लोग जो है क्या बोलते हैं? इंग्लिश। तो याद रखिएगा 113 करोड़ ये क्या बोलते हैं? ये इंग्लिश बोलते हैं पूरे दुनिया में। और 111 करोड़ जो है 111 करोड़ क्या जो बोलते हैं लोग? मैंडारिन यानी कि चीनी भाषा बोलते हैं। और तीसरे नंबर पे हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि तीसरे नंबर पे दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जो भाषा है वो है हिंदी। तो हिंदी बोलने वाले की जो संख्या है भाई मेरे वो कितनी है? वो है 61.5 करोड़। 61.5 करोड़ से हम जो है तीसरे स्थान पे आते हैं। और देख लीजिए जो चौथी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज है स्पेनिश। और पांचवा नंबर आता है फ्रेंच का। ठीक है, तो पांचवा जो है फ्रांसीसी भाषा बोली जाती है, फ्रेंच बोली जाती है। अच्छा, मैं आपको कुछ इंडिया के रिकॉर्ड बता देता हूँ। तो इंडिया में वो पांच कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं? तो इंडिया की जो पांच लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज होती हैं वो नंबर वन पे कौन सी लैंग्वेज है? नंबर वन पे है हिंदी। ठीक है, नंबर वन पे हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। और जो आपकी जनगणना हुई थी 2011, तो जनगणना 2011 के हिसाब से भारत में हिंदी बोले जाने का जो प्रतिशत है 43.63%। तो भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। और 2011 की जनगणना के हिसाब से हिंदी लगभग भारत में 43.63% बोली जाती है। अच्छा, इससे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं और बता देता हूँ। तो अगर हिंदी हर 10 साल की बात किया जाए, तो जब 2011 में जनगणना हुई थी तो उस टाइम पे हिंदी बोलने जाने वाले की संख्या कितनी थी? 63.63%। उसके पहले जब 2001 में जनगणना हुई थी उस टाइम पे हिंदी बोले जाने वाले की संख्या थी लोगों की 41.05%। ये कब की थी? ये 41.05% कब की थी? ये 2001 की थी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ आने पर यानी कि 10 साल में हिंदी भाषी लोगों की संख्या बढ़ी है। यहाँ पे 41 था, यहाँ पे 43.5 के आसपास हो गया है। तो 10 सालों में हिंदी बोले जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। अगर मैं उसके 10 साल पहले और चला जाता हूँ यानी कि 1991 में, तो उस टाइम हिंदी बोले जाने वाले लोगों की संख्या थी 39.29%। ठीक है, तो आप देख रहे हैं करके हर 10 साल में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। 1991 में 39.29% लोग हिंदी बोलते थे, और 2001 में 41.05% लोग हिंदी बोलते थे। और जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी थी? 43.63%। ठीक है, और हिंदी जो है देश की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ओके, दूसरी नंबर पे कौन सी बोली जाती है? दूसरी नंबर पे जो लैंग्वेज बोली जाती है भारत में सबसे ज़्यादा वो है बंगाली। दूसरे नंबर पे कौन सी बोली जाती है? बंगाली। और 2011 के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार हिंदी बोलने की संख्या है 8.03%। दूसरे स्थान पे भारत में जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है वो कौन सी भाई? हिंदी, वो सॉरी बंगाली। और बंगाली कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं? वो 8.03% लोग बोलते हैं। अगर बंगाली की और बात किया जाए 10 साल पहले यानी कि 2001 में कितना बोलते थे, तो 2001 में 8.11% लोग बंगाली बोलते थे। यानी कि बंगाली बोले जाने वाली टोटल पॉपुलेशन में क्या हो रही है? गिरावट आ रही है। अगर मैं 10 साल पहले और चला जाऊं यानी कि 1951 में, तो उस टाइम पे बंगाली बोलने जाने वाले लोगों की संख्या थी 8.30%। ठीक है, तो बंगाली जो है दूसरे नंबर पे बोले जाने वाली भारत की भाषा है। अब मैं तीसरे की बात करूं मराठी, तो तीसरी भाषा कौन सी है? मराठी। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो है मराठी लगभग 6.86% लोग बोलते हैं मराठी भारत में।
ये 2011 की जनगणना है, और तीसरे नंबर की लैंग्वेज है। चौथी जो लैंग्वेज है वो है तेलुगु भारत की, और पांचवी लैंग्वेज है वो कौन सी है, वो है तमिल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी एक बात और बता देता हूँ आपको। अभी आपको पता होगा कि 21 फरवरी, ठीक है, 21 फरवरी आपको याद है किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कौन से दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, कब किस रूप में मनाया जाता है, मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये कब से मनाया जाता है, ये 1991 से। कब से, 1991 से। 1991 से यूनेस्को ने इसको शुरू किया था। ठीक है, 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 1991 में यूनेस्को ने इसको शुरू करने की बात कही थी, और ये तब से मनाया जाता है। ठीक है भाई, ओके भाई, चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये आपके लिए एक बड़ी बात है, मैं बता देना चाहता हूँ करके। देखिए, भारतीय संविधान भवन समेत नए भवनों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, एक्चुअली ये क्यों किया जाएगा, पूरा मुद्दा क्या है, इसको समझते हैं। इसका मुद्दा ये है करके कि देखो, दिल्ली में है ये सारे भवन, कहाँ पे हैं, दिल्ली में है, और दिल्ली में है तो दिल्ली में जो है, दिल्ली में ये जहाँ पे बनाई गई हैं वो जो है भूकंप जोन में आते हैं, यानी कि वहाँ पे क्या है, अत्यधिक भूकंप आने की संभावना है। एक तो ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, ये करीब करीब 100 साल हो रहे होंगे, 100 साल के थोड़ा सा कमी है, नहीं तो 100 साल हो रहे होंगे। तो ये 100 साल पुराने बिल्डिंग है, और ये जो है अर्थ के जोन में आती हैं, इसीलिए जो है इन बिल्डिंगों को फिर से बनाए जाने की बात की गई है। तो ये देखिए, जो भारतीय संसद वगैरह है, भारतीय संसद और राष्ट्रपति भवन है, इनकी जो, इनको बनवाया था किसने, ब्रिटेन ने बनवाया था, और इनके जो डिजाइनर थे, आर्किटेक्ट इंजीनियर थे, वो कौन कौन से थे, दो थे, सर एडविन लुटियंट, और जो है दूसरे थे सर हर्बर्ट बेकर। तो ये दोनों लोग थे करके, ये दोनों ने ही नक्शा पास किया था इन बिल्डिंगों का, राष्ट्रपति भवन का और संसद का, और दो और साइट्स हैं, ठीक है, और बिल्डिंग है करके। वो दोनों बिल्डिंग कौन सी हैं, एक नॉर्थ जोन है, एक साउथ जोन है। ठीक है भाई, नॉर्थ पोल साउथ पोल भी बोलते हैं उनको, नॉर्थ जोन साउथ पोल भी बोलते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि ये बिल्डिंग कैसी है करके। देखिए ये क्या है, आप देखते हैं कि हमारा जो आप संसद देखते हैं, संसद भवन इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का होता है। तो देखो, एक तरफ, एक इधर इसकी बिल्डिंग होती है, एक यहाँ पे बिल्डिंग होती है, एक सेंटर बिल्डिंग होती है। तो सेंटर बिल्डिंग जो होती है वो पार्लियामेंट होती है, और ये नॉर्थ जोन और ये साउथ जोन होता है। ठीक है, तो ये जो बिल्डिंग है ये फिर से बनाई जाएंगी करके। ठीक है, और इसके बारे में एक चीज़ और बता दें आपसे, जो एग्ज़ाम में करंट अफेयर में क्वेश्चन बनेगा वो ये बन सकता है कि इस बिल्डिंग को बनाएगी कौन। तो ये बिल्डिंग जो बनाने का टेंडर मिला है जो है, वो गुजरात की एक कंपनी है, कौन सी, HCP डिज़ाइन। ठीक है, क्या काम, कंपनी का क्या नाम है भाई, कंपनी का नाम है H, लिख लीजिएगा, CP, HCP और डिजाइन, HCP डिजाइन नामक ये कंपनी बनाएगी इसको। और इस कंपनी ने इसके पहले काफ़ी कुछ बनाया था करके, जैसे काशी का जो विश्वनाथ है उसकी मरम्मत भी है इसी बिल्डिंग ने करवाई थी। ओके बॉस, चलें अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये है कि कौन सी ऐसी इमारतें हैं, कलकत्ता की कौन सी प्रमुख इमारतें हैं जिन्हें हाल ही में संस्कृत मंत्रालय ने इनका जीर्णोद्धार किया। ठीक है, ऐसे कौन सी बिल्डिंग्स हैं जिनको संस्कृत मंत्रालय ने इनका जीर्णोद्धार किया। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन देखो दिए हैं। पहला ऑप्शन है करेंसी बिल्डिंग, ठीक है, पहली कौन सी है, करेंसी बिल्डिंग, और दूसरी कौन सी है, विक्टोरिया मेमोरियल, तीसरी है मेल्ट कॉ फॉल, और चौथी है बेल बार्ले हाउस। ठीक है, तो ये आपको चार ऑप्शन दिए हैं, अब बताइए आपका कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बताइए सोच के क्या हो सकता है। ठीक है, कौन सा होगा, तो मैं आपको बता देता हूं करके, जो करेंसी हाउस है ये बिल्कुल जो है ऐसे जो संस्कृत मंत्रालय ने भारत का, उसने इसका जीर्णोद्धार किया है, विक्टोरिया मेमोरियल का नहीं किया गया है, मेल्ट कॉफ हॉल का किया गया है, और चौथी है बेलवर्डे हाउस। ठीक है, बेलवर्डे हाउस, जो ऐसी तीन बिल्डिंग्स हैं, करेंसी बिल्डिंग,
मेल्ट कॉ फॉल और बेलवर्डे हाउस, ये तीनों का जो है अभी जीर्णोद्धार को रिकॉन्स्ट्रक्ट किया गया है करके, ठीक है। अब इनसे जुड़ी कुछ बातें बता देता हूँ। देखो करेंसी बिल्डिंग क्या है, करेंसी बिल्डिंग क्या है, तो ये इटली के स्टाइल में बनाई गई थी, ठीक है। ये कब बनाई गई थी, 1833 ईस्वी में। कब बनाई गई थी करेंसी बिल्डिंग, 1833 ईस्वी में। जैसा कि इसका नाम है करेंसी बिल्डिंग, तो करेंसी बिल्डिंग इसका नाम है। और ये जो है 1937, याद रखिएगा, ये कब बनाई गई थी, 1833 में। और 1973 तक जो है ये आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1935 जो आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो है स्थापना हुई थी, तो 2 साल ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे हेडक्वार्टर भी रह चुका है, कहाँ पे, करेंसी बिल्डिंग में, ठीक है। और देखो ये डलहौजी क्षेत्र में आता है, ये कौन सा है, आता है डलहौजी क्षेत्र में आती है ये बिल्डिंग, डलहौजी क्षेत्र में ये बिल्डिंग आती है। और ये किस स्टाइल में बनाई गई थी, हम करेंसी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो ये किस स्टाइल में बनाई गई थी, ये इटली स्टाइल में बनाई गई थी। तो ये करेंसी बिल्डिंग है जिसका जो है पुनर्मॉडिफिकेशन किया गया है। तो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन सही है। चलिए अब अपन आते हैं कि इसमें मेल्ट कॉफ हॉल, तो मेल्ट कॉफ हॉल क्या है, ये एक पब्लिक लाइब्रेरी है, ठीक है। ये क्या है, ये एक पब्लिक लाइब्रेरी है। और ये जो है 1840 से 1844 के बीच में बनाई गई थी, 1840 से 1844 के बीच में बनाई गई थी। और ये एक पब्लिक लाइब्रेरी है, ठीक है भाई। अब देखो इसकी खास बात क्या है, इसमें 30 पिलर लगे हैं, यानी कि जैसे आप एंट्री करोगे तो वहां पे देखोगे 30 पिलर्स सामने से आपको दिखेंगे। तो कभी कभी ये टीवी वगैरह में भी दिखाई देती है, कभी कभी जो जब राज्यसभा लोकसभा आप देखेंगे तो ये टीवी में भी देखने को आप मिल जाएगा। तो मेल्ट कॉफ ऐसी बिल्डिंग है, मेल्ट कॉफ हॉल ऐसी बिल्डिंग है जिसका पुनर् से मॉडिफिकेशन भी किया गया है। ओके दूसरा सही है। चलिए जो आपका तीसरा राइट आंसर है कौन सा, बेलवर्डे हाउस। तो बेलवर्डे हाउस में क्या था, इसमें भी नेशनल लाइब्रेरी थी, ठीक है। इसमें क्या थी, नेशनल लाइब्रेरी थी। और कलकत्ता के जितने गवर्नर जनरल हुए, जितने वायसराय हुए, वो इसी में उनका रेसिडेंट था, ठीक है। तो कलकत्ता के जो गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल और जो वायसराय थे, वायसराय थे, वो सबका रेसिडेंट था, यही निवास स्थल था। और फिर जो आपने पढ़ा होगा मीर जाफर, आपने पढ़ा होगा क्या, मीर जाफर, तो जो मीर जाफर का महल था वो भी था बेलवर्डे हाउस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन गलत है, बाकी आपका पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है। तो विक्टोरिया मेमोरियल नहीं है, बाकी तीनों आंसर राइट है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले बढ़ते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है ये है डोलावारी और डेक्कन सल्तनत, ठीक है। तो डोलावारी और डेक्कन सल्तनत क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब देखो डोलावारी और जो ये डेक्कन सल्तनत है, ठीक है, जो डोलावारी है और डेक्कन सल्तनत है, इन दोनों जो ये दोनों इमारत हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ था, इन दोनों एरिया की जो गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया है, इनको क्या किया है, अपना जो डोजियर है, मतलब प्रस्ताव है करके, वो किसको भेजा है, वो भेजा है यूनेस्को को कि इन दोनों को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल किया जाए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाई जाए। तो अगर आपको ये न्यूज़ सुनने में आ रही है, अगर कोई भी वर्ल्ड हेरिटेज जोन भारत में कोई बनेगा तो ये ही बन सकता है, कौन, ये जो आपका डोलाबारी है और डेक्कन सल्तनत है, ठीक है। तो इसके बारे में आप जान लीजिए करके कि अभी इसकी जो हाल ही में यूनेस्को ने बैठक करवाई थी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में जो बैठक हुई थी, ये जो है चाइना में हुई है, चाइना का जो फुजो शहर है, ठीक है, फुजो शहर है, वहाँ पर इसका बैठक की गई थी, ठीक है। अब देखिए डोलाबारी और डेक्कन सल्तनत के बारे में कुछ बात बताते हैं। तो डोलाबारी एक्चुअली कहाँ पे है, गुजरात में है, और गुजरात में है, और ये जो है क्या था, गुजरात के कच्छ में है। तो गुजरात के कच्छ में पहले यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ी नदी बहती थी, ठीक है, नदी बहती थी। और ये क्या था, ये जो है एक उसका व्यापारिक बंदरगाह है। तो व्यापारिक बंदरगाह इस तरह समझिए कि अभी अभी हाल ही में करके एक सर्वे से पता चला था, सर्वे से पता चला चल गया था कि भारत के आसपास, समझते रहिएगा, सुनते रहिएगा, भारत के आसपास ऐसे 1947 के पहले पिछले 100 सालों में करीब करीब क्या थे, 100 जहाज ऐसे थे, वो 100 जहाज नहीं, 100 सालों में करीब 1200 जहाज ऐसे थे जो जो भारत के आजू बाजू डूब गए थे, ठीक है।
ये डूब गए थे। तो ये कुछ जहाज जो है कहाँ पे आपको मिले हैं, डोरा बीर के आसपास मिले हैं, ठीक है, वो मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि भाई ये सिंधु घाटी का भी एक व्यापारिक बंदरगाह था। और एक खास बात क्या है कि जो कर्क रेखा है वो भी इसके ठीक ऊपर से गुजरती है, ठीक है। तो ये क्या है, डोलाबीर है करके, डोलाबारी डोलाबीर जो भी है करके, इसको डोलाबारी कहीं कहीं मेंशन है, डोलाबीर भी मेंशन है, आपने पढ़ा भी होगा करके। अब डेक्कन सल्तनत के बारे में जान लीजिए। तो डेक्कन सल्तनत के बारे में मैं आपको बता दूं करके कि इसमें जो है ये डेक्कन सल्तनत ये मुस्लिम डायनेस्टी की सल्तनत है, ठीक है। मुस्लिम साम्राज्य मतलब एक मुस्लिम लोगों ने यहाँ पे राज किया था। और ये जो है ये बहुत बड़े आर्ट और कल्चर के सेंटर माने जाते हैं। डेक्कन सल्तनत जो है ये आर्ट और कल्चर के वो सेंटर माने जाते हैं करके। और इनका जो विस्तार है वो विंध्या पर्वत से लेके कृष्णा नदी के बीच में है, ठीक है। और ये डेक्कन सल्तनत में पांच वंश बोल सकते हैं, पांच डायनेस्टी बोल सकते हैं, पांच डायनेस्टी आती थी। तो चलिए ये पांच डायनेस्टी कौन सी थी, इन पांच डायनेस्टी में थे गोलकुंडा, बीजापुर, बेरार, अहमदनगर और बीरार, ठीक है। कौन कौन से आते थे, गोलकुंडा, बीजापुर, बेरार, अहमदनगर और बीरार, ऐसे पांच डायनेस्टी आती थी, पांच सल्तनत आती थी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग अहमदनगर सल्तनत पढ़ लेते हैं। तो अहमदनगर सल्तनत मैंने आपको नोट्स भी बना के दिया करके, फिर भी बता देता हूँ। तो जो अहमदनगर सल्तनत है इसमें शाही वंश जो था, सबसे पहला वंश कौन आया था, ठीक है, इसको निजाम शाही वंश के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसको किस वंश से जाना जाता था, निजाम शाही। अहमदनगर सल्तनत को निजाम शाही वंश के नाम से जाना जाता था। और इसका जो फाउंडर था, इसका फाउंडर था, इसका जो संस्थापक था वो मलिक अहमद शाह था, ठीक है। वो मलिक अहमद शाह था जिसने बहमनी शासकों को हरा कर इसमें जो है निजाम शाही डायनेस्टी की स्थापना की थी, ठीक है। इसकी जो पहली राजधानी थी, शुरुआती राजधानी थी, वो कौन सी थी, जुनार थी। कौन राजधानी थी, जुनार राजधानी थी, ठीक है। अब देखो इसमें कई लोग आए बाद में, इसमें एक मुर्तजा नाम का शासक आया है और ये इसको जीत लेता है करके अहमदनगर को। इसके बाद चांद बीवी हैं, एक शासिका थी, उन्होंने इसको छुड़वाया। लेकिन फाइनली में क्या हुआ, फाइनली 1636 ईस्वी में ये जो है औरंगजेब इसको अपने राज्य में मिला लेता है और जीत लेता है, ठीक है। तो ये अहमदनगर सल्तनत हो गई। इसके बाद देखते हैं हम बीजापुर सल्तनत, ठीक है। तो बीजापुर सल्तनत जो है इसको आदिल शाही साम्राज्य या आदिल शाही सल्तनत भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, हम जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमसे ये सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, इसीलिए मैंने सारा पोर्शन उठाया, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे थे वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की, तो मैं चाहता तो वहीं से ख़त्म करके आपको निकल जाता, लेकिन मुझे क्या है कि ये पोर्शन जो है आप हिस्ट्री में छोड़ देते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है भाई। तो बीजापुर सल्तनत क्या है, बीजापुर सल्तनत जो है इसको क्या है, आदिल शाही साम्राज्य भी बोलते हैं। और आदिल शाही ने ही क्या किया था, इसकी संस्थापना किया था, स्थापना किया था, ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ थी, बीजापुर थी। और ये आप रखना कौन संस्थापक है, ठीक है, राजधानी भी पूछ सकता है, संस्थापक पूछता है, और फिर लास्ट को इसको किस साम्राज्य में ये मिल गई, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ठीक है, ये याद रखेंगे, आदिल शाही का संस्थापक है और आदिल शाही साम्राज्य या सल्तनत भी इसे कहते हैं। बीजापुर ही इसकी राजधानी थी और लास्ट में औरंगजेब भी इसे फिर से जीत लेता है, ठीक है भाई। चलिए अगला देखते हैं, बेरार सल्तनत। तो बेरार सल्तनत जो थी अचलपुर इसकी राजधानी थी और फाथ उल्लाह उल मुल्क, नाम याद रखेंगे, फाथ उल्लाह उल मुल्क। तो फाथ उल्लाह उल मुल्क ने इस सल्तनत की स्थापना की थी और इसकी राजधानी अचलपुर थी। बाद में अहमदनगर ने इसे जीत लिया था। और आपको पता है कि अहमदनगर को बाद में जो है किसने, औरंगजेब ने जीत लिया था। नेक्स्ट है गोलकुंडा। तो गोलकुंडा सल्तनत के बारे में जान लीजिए। ये जो है गोलकुंडा सल्तनत ऐसी सल्तनत थी जहाँ पे सिया शासकों ने राज किया। और ये सिया शासक कहाँ के थे, तुर्कमेनिस्तान के थे, ठीक है। तो गोलकुंडा सल्तनत में सिया शासकों ने राज किया और ये सिया शासक कहाँ से आए थे, ये तुर्कमेनिस्तान से आए थे। और कुली कुतुब उल मुल्क, नाम याद रखेंगे, कुली कुतुब उल मुल्क ने इस वंश की, इस डायनेस्टी की स्थापना की थी और लास्ट में इसे औरंगजेब जीत लेता है, ओके। चलिए लास्ट पढ़ लेते हैं बीरार सल्तनत। बीरार सल्तनत
तो बिरार सल्तनत के बारे में बता देता हूँ कि ये जो जो भी आप डेक्कन सल्तनत आपने इतना पढ़ा करके, उसका सबसे छोटा राजवंश था, ठीक है? ये क्या था? सबसे छोटा राजवंश था, और सबसे छोटा राजवंश था, और इसके संस्थापक कौन थे? कादिम बरीद थे। कौन थे? बिरार सल्तनत के संस्थापक कादिम बरीद। और इसको बाद में बीजापुर ने अपने मिला लिया था, बीजापुर ने जीत लिया था, और बीजापुर ने जीता तो इसका मतलब ये औरंगजेब के कब्जे में चला गया था। तो ये दोनों चीज़ें साइट आपको याद रखनी है, कौन कौन सी? डोलावारी और डेक्कन सल्तनत। हो सकता है ये 2020 में आपको भारत के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में देखने को मिल जाए। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब ये क्वेश्चन है करके कि मिजोरम सरकार द्वारा हाल ही में कौन सा त्यौहार है जो मनाया गया, और इसके साथ ही ये साथ ये भारत के 10 राज्यों और कुछ विदेशों में, कुछ अंतर्राष्ट्रीय देशों में, और कुछ देशों में जैसे कि म्यांमार है, अमेरिका, बांग्लादेश आदि में भी मनाया गया, ठीक है? तो ऐसा कौन सा ये जो फेस्टिवल है? तो देखो ऑप्शन आपका दिया है, पहला है जो कटी पुई, जो कटी पुई, थोड़ा सा ये मिसिंग है, ये है जो कटी पुई, जो कटी पुई, ठीक है? तो पहला ऑप्शन क्या है आपका? जो कटी पुई है। दूसरा है सिक पुई राई। तीसरा याओसांग। चौथा है अम्बुबाची मेला। ठीक है भाई, तो ये 4 आपके ऑप्शन दिए हैं। क्या लगता है आपको कौन सा ऐसा है? बहुत बड़ा फेस्टिवल होगा तभी तो ये मिजोरम सरकार के साथ साथ इंडिया के 10 स्टेट्स में मनाया गया, और म्यांमार, अमेरिका, बांग्लादेश जैसे देशों में भी मनाया गया, तो ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जुकटी पुई। तो आपका जुकटी पुई जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है भाई? चलिए बाकी ऑप्शन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो आपका ये जो ऑप्शन है सिक पुई राई और याओसांग, ठीक है? ये नहीं, लास्ट वाला नहीं, लास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दोनों, इन दोनों ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, सिक पुई राई और याओसांग, ये जो है ये फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। ये कहाँ पे मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। तो ये फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है, और जो अम्बुबाची मेला है, अम्बुबाची मेला आपका गुवाहाटी में मनाया जाता है। कहाँ पे? गुवाहाटी में, गुवाहाटी में मनाया जाता है। और आपको पता है कि गुवाहाटी में क्या है? कामाख्या मंदिर है, उसी के परिसर में मनाया जाता है, ठीक है? तो ये कहाँ मनाया जाता है? ये आपका जो है, जो पहला ऑप्शन है जोकट पई जो है, ये जो फेस्टिवल मनाया जाता है मिजोरम ने, और इसको बाकी के लोगों ने मनाया करके, और सुकपुई राई याओशांग मणिपुर में, और ये अम्बुबाची मेला है ये गुवाहाटी में मनाया जाता है। गुवाहाटी में जो कामाख्या मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर है, उसी के एक कैंपस में मनाया जाता है, ठीक है भाई? चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। तो बॉस आज के लिए बस इतना ही। तो होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है तो प्लीज़ कमेंट करिए और लाइक करिए, मुझे बताइए, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।